अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने बॉटनी पेपर सी का सेकंड चैप्टर सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट टॉपिक के अंदर हमने इंट्रोडक्शन टू सेल मेम्ब्रेन डिस्कस की थी। उसके बाद हमने सेल मेम्ब्रेन के 2 मॉडल्स डिस्कस किए थे, सैंडविच मॉडल जिसको हम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी कहते हैं, और फिर हमने सेकंड मॉडल जो था वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा था। फिर हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के डिस्कस किए थे, और लास्ट में हमने इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन डिस्कस की थी। और जो आज टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मूवमेंट्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स। मॉलिक्यूल जो हैं ये क्रॉस करते हैं मेम्ब्रेन को इन अ नंबर ऑफ वेज। ये डिपेंड करते हैं एनर्जी के ऊपर, वो एनर्जी उनकी अपनी भी हो सकती है या फिर उस एनर्जी का सोर्स आउटसाइड भी हो सकता है। जो मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट्स होती हैं वो फॉलोइंग टाइप्स की हैं। सबसे पहले को हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम डिफाइन इस तरह करते हैं, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम 3 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। तो फर्स्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट की जो टाइप है सिंपल डिफ्यूजन, उसको हम डिफाइन करते हैं। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्राम एन एरिया ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कंसनट्रेशन इज कॉल्ड सिंपल डिफ्यूजन। मॉलिक्यूल जो होते हैं ये रैंडमली मूव करते हैं, और ये उस वक्त तक मूव करते रहते हैं जब तक ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए। और जो ज़्यादातर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होती है वो सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए ही होती है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है पैसिव ट्रांसपोर्ट की, वो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रू प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्राम एन एरिया ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कंसनट्रेशन इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं इन द लिपिड्स, इसलिए ये डिफ्यूज करते हैं थ्रू प्रोटीन चैनल पोर्स। और ये जो प्रोटीन चैनल्स होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं एक कंटिन्यूस पाथवे फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स। इसीलिए ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हाइड्रोफोबिक लेयर के साथ कभी भी कांटेक्ट में नहीं आते। इसके अलावा जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं और लिपिड इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको स्पेशल असिस्टेंस चाहिए होती है ताकि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकें। तो ये में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को इस्तेमाल करते हैं। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है इस प्रोसेस के लिए हमने कहा एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट के किसी भी टाइप के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें होता क्या है कि जो मॉलिक्यूल होता है वो टेम्परेरली बाइंड कर जाता है विद अ कैरियर प्रोटीन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और वो कैरियर प्रोटीन जो होती है वो भी ट्रांसपोर्ट हो जाती है, उसके साथ साथ जो उसका जो मॉलिक्यूल होता है अटैच वो भी ट्रांसपोर्ट हो जाता है फ्राम एन एरिया ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कंसनट्रेशन। इट इज़ कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नेक्स्ट है ऑस्मोसिस, पैसिव ट्रांसपोर्ट की जो थर्ड टाइप है। ये भी डिफ्यूजन ही है, डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। नेक्स्ट टर्म है टॉनिसिटी, द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द वाटर इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल इज कॉल्ड टॉनिसिटी। टॉनिसिटी की 3 मेन टाइप्स हैं, एसोटॉनिक, हाइपरटॉनिक, हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन। इनको हम 1 by 1 डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है एसोटॉनिक सॉल्यूशन। इस केस के अंदर जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होती है वो सेम होती है इनसाइड द सेल एज वेल एज आउटसाइड द सेल। इन द सेम वे जो वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन होती है वो भी सेम होती है इनसाइड द सेल एज वेल एज आउटसाइड द सेल, जिसकी वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस मूव करते हैं वो सेम रेट से मूव करते हैं इन द बोथ डायरेक्शन, इनवर्ड एज वेल एज आउटवर्ड, वो सेम रेट से मूव करते हैं, जिसकी वजह से नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इन ईदर डायरेक्शन होता है। इसको हम बोलते हैं एसोटॉनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन।
इस केस में जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन होती है वो सेल के बाहर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द इनसाइड, और जबकि वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द आउटसाइड। तो जिसकी वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करते हैं सेल से बाहर की तरफ, जिसकी वजह से सेल जो होता है वो श्रिंक आ जाता है। इस प्रोसेस को हम प्लाज्मोलाइसिस भी बोलते हैं प्लांट्स के केस में। नेक्स्ट है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इस केस के अंदर क्या होता है, जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होती है वो इनसाइड द सेल ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द आउटसाइड, और जो वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन होती है वो सेल के बाहर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द इनसाइड, जिसकी वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल के अंदर की तरफ मूव करते हैं, तो जिसकी वजह से वो सेल जो होता है वो स्वेल कर जाता है और वो बाद दफ़ा उसकी ब्रस्टिंग भी हो जाती है। इसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है? एसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन और वाटर की कंसंट्रेशन सेम है इनसाइड द सेल एज वेल एज आउटसाइड द सेल, जबकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो बाहर ज़्यादा है और इनसाइड कम है, और जो वाटर की कंसंट्रेशन वो इनसाइड ज़्यादा है और बाहर कम है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो बाहर की तरफ मूव करता है और जिसकी वजह से सेल जो होता है वो श्रिंक आ जाता है। जबकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होती है वो इनसाइड द सेल ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द आउटसाइड, और वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द इनसाइड, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल अंदर की तरफ मूव करते हैं, जिसकी वजह से वो सेल जो होता है वो स्वेल कर जाता है और फिर उसकी ब्रस्टिंग भी हो सकती है। अब तक जो हमने ट्रांसपोर्ट पढ़ी वो थी पैसिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्राम एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन बाई द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये एग्जैक्टली डिफरेंट है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करें एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में, तो उसमें मूवमेंट होती थी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मूवमेंट होती है फ्राम एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती हैं वो होती हैं फ्राम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एनर्जी की एक्सपेंडिचर होती है, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एनर्जी की एक्सपेंडिचर नहीं होती, विदाउट एनर्जी होती है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा अगेंस्ट ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट हमेशा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट नहीं होती है। और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम अपहिल मूवमेंट भी कहते हैं और पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम डाउनहिल मूवमेंट भी कहते हैं। अगर हम देखें एक आदमी है उसने पहाड़ पर चढ़ रहा है, तो जब वो ऊपर जा रहा होता है तो उसकी एनर्जी इस्तेमाल हो रही होती है, इसको हम कहते हैं अपहिल मूवमेंट। लेकिन जब वो ऊपर से नीचे आ रहा होता है तो जल्दी जल्दी आ जाता है, क्योंकि और उसको कोई एनर्जी भी इतनी इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती, उसको हम कहते हैं डाउनहिल मूवमेंट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट जो मूवमेंट होती है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, उसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। द बल्क मूवमेंट ऑफ मटीरियल इन टू द सेल बाई द फॉर्मेशन ऑफ वेजिकल इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। यानी कि जो मटीरियल का सेल के अंदर की तरफ मूव करना बाय द फॉर्मेशन ऑफ वेजिकल, इसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस की टू मेन टाइप्स हैं, पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। द नॉन स्पेसिफिक अपटेक ऑफ ऑल ड्रॉपलेट्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस, और अपटेक ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स बाय इन्वेजिनेशन इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। इट मीन के अपटेक ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स, उसको हम बोलते हैं पिनोसाइटोसिस, और अपटेक ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स अगर आते हैं तो उसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। लास्ट जो मूवमेंट होती है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, उसको हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। सेल सेक्रीशन का सेल से बाहर रिमूव हो जाना बाई आउटफोल्डिंग, इसको हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। गॉल्जी अपरेटस जो होता है ये प्रोटीन को पैक करते हैं और दूसरे मॉलिक्यूल को पैकिंग करती है इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल फॉर सेक्रीशन। और ये जो सेक्रेटरी वेजिकल्स होते हैं ये फिर मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाते हैं और अपना जो कंटेंट होता है वो सेल के बाहर रिलीज कर देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। द रिमूवल ऑफ सेल सेक्रीशन फ्रॉम द सेल बाई आउटफोल्डिंग इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। आज के टॉपिक में हमने मूवमेंट्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन डिस्कस की। हमने सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट को डिफाइन किया। पैसिव ट्रांसपोर्ट की हमने तीन टाइप्स, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को डिस्कस किया।
ऑस्मोसिस में हमने फर्दर टॉनिसिटी को डिस्कस किया, और टॉनिसिटी की फर्दर तीन मेन टाइप्स थी, एसोटॉनिक सोल्यूशन, हाइपरटॉनिक सोल्यूशन और हाइपोटॉनिक सोल्यूशन को वन बाई वन डिस्कस किया। फिर हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट को डिस्कस किया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करने के बाद हमने एंडोसाइटोसिस को डिस्कस किया, और लास्ट में हमने एक्सोसाइटोसिस को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस जो चैप्टर टू का लास्ट टॉपिक है फिजियोकेमिकल नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म उसको डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।